कैसे हो आप लोग। मैं हूं दीप और हमारा आज का टॉपिक है जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जीपीयू यानी वीरैम होता क्या है और हमारे पीसी में सीपीयू तो था लेकिन हमको जीपीयू की क्या जरूरत पड़ी। ये जीपीयू के स्पेसिफिकेशन में GDDR3, GDDR5, GDDR5X होता क्या है और किस रेजोल्यूशन में गेम खेलने के लिए कौन सा जीपीयू बेहतर होगा, आपके यही सब क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। So stay tuned friends, आपके पीसी में प्रोसेसर की तरह ही जीपीयू एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है और आपका प्रोसेसर ही आपके जीपीयू को बताता है कि उसको कौन से वक्त कौन सा ग्राफिक्स प्रोसेस करना है। हम सब लोग तो कहते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड ही जीपीयू होता है लेकिन ये नहीं होता। एक्चुअली ग्राफिक्स कार्ड में एक अलग से प्रोसेसर लगता है जिसको जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आपके पीसी में एक एक्स्ट्रा जीपीयू की जरूरत क्यों पड़ी। आपके पीसी में जो प्रोसेसर होता है उसमें एक जीपीयू तो होता है लेकिन वो सिर्फ नॉर्मल कामों के लिए होता है, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जब आप काम करते हैं तो फिर आपके एक्स्ट्रा जीपीयू की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप आपके पीसी पे कोई भी इंटेंसिव गेम जैसे कि GTA 5 आपकी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के ऊपर रन करते हैं तब आपका प्रोसेसर जवाब देने लगता है और वो चीख चीख के रोता है क्योंकि उसके इतने कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ऐसे बड़े गेम को प्रोसेस कर सके। तब हमें जरूरत पड़ती है एक एक्स्ट्रा जीपीयू की। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि आपके जीपीयू को कौन सा ग्राफिक्स किस वक्त प्रोसेस करना है वो आपका प्रोसेसर ही बताता है, तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप एक हाई एंड का ग्राफिक्स कार्ड ले लें और एक प्रोसेसर जैसे कि इंटेल सेलर प्रोसेसर ले लें तो उससे आपको आपके गेम में इतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो फिर आपको ग्राफिक्स कार्ड जैसे एक अच्छा लेना होगा, उसके साथ एक अच्छा प्रोसेसर भी लेना होगा ताकि वो उसके इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस दे सके। फ्रेंड्स, आपके जीपीयू के स्पेसिफिकेशन में जो GDDR3, GDDR5, GDDR5X होता है वो क्या होता है और क्या उससे जीपीयू के परफॉर्मेंस में कुछ मैटर करता है। GDDR3 एक जीपीयू का ही पुराना वर्जन है, जैसे कि GDDR5 नया वर्जन है और GDDR5 एकदम लेटेस्ट वर्जन है NVIDIA की तरफ से। फ्रेंड्स, हम ग्राफिक्स में GDDR3 को DDR3 RAM समझ लें और GDDR5 को DDR4 RAM समझ लें। GDDR3 में प्रोसेसिंग का जो स्पीड होता है GDDR5 में प्रोसेसिंग स्पीड उससे दुगना होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक फ्रेंड के पास GDDR3 ग्राफिक्स कार्ड था जो कि 2 GB का था और मेरे और एक फ्रेंड्स के पास GDDR5 ग्राफिक्स कार्ड था जो कि 512 MB का था। लेकिन जो गेम GDDR3 ग्राफिक्स 2 GB में लैग होता था वो गेम 512 MB ग्राफिक्स GDDR5 में अच्छी तरह से चल जाता था। तो फिर फ्रेंड्स, आप ये समझ गए होंगे कि सिर्फ क्वांटिटी से कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस होने के लिए हमको एक नया जनरेशन का ग्राफिक्स कार्ड भी चाहिए। और ये GDDR5X ये GDDR5 का ही एक अपग्रेड वर्जन है जो कि NVIDIA ने अपने 1080 और 1080 Ti ग्राफिक्स कार्ड में यूज किया है जिससे उसकी प्रोसेसिंग स्पीड और भी बेहतर बन जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको रेजोल्यूशन के हिसाब से NVIDIA का ही ग्राफिक्स कार्ड रेकमेंड करता हूँ क्योंकि NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड में ही हमको प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो सबसे अच्छा मिलता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलता कि AMD के ग्राफिक्स कार्ड बुरा होता है, लेकिन जो प्राइस आप AMD के ग्राफिक्स कार्ड में खर्च करते हैं उसके हिसाब से आपको उतना परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता है जो कि NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड में मैंने देखा है कि उतना परफॉर्मेंस आपको जरूर मिलता है। अगर आप 720p में गेमिंग करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको यही रेकमेंड करता हूँ कि आप NVIDIA का 1050 2 GB ग्राफिक्स कार्ड लें और ये GDDR5 ग्राफिक्स कार्ड है, तो फिर आप ज्यादातर हर गेम 60 FPS के आसपास खेल पाएंगे। और अगर आप 1080p यानी कि फुल HD में गेमिंग करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि इसका बड़ा भाई जो है कि 1050 Ti जो एक 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, मैं आपको वही ग्राफिक्स कार्ड रेकमेंड करता हूँ। इसमें आप हर गेम फुल HD में कम से कम 30-60 FPS में तो खेल पाएंगे ही। अगर आप 2K गेमिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको उसके लिए 1060 का 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड रेकमेंड करता हूँ। 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड आपको 1440p यानी कि 2K में गेमिंग करने के लिए इनफ होगा। फ्रेंड्स, अगर आप 4K में गेमिंग करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप NVIDIA का 1080 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड ले
और इसका आर्किटेक्चर GDDR5X बेस्ड है, तो ये GDDR5 से दुगना परफॉर्मेंस देगा। और मैंने रेजोल्यूशन के हिसाब से आपको थोड़े अच्छे ग्राफिक्स कार्ड ही रिकमेंड किए हैं, क्योंकि हम ग्राफिक्स कार्ड बार बार चेंज नहीं करते, तो फिर आपको कम से कम 2-3 साल तक एक अच्छे ग्राफिक्स कार्ड के साथ एक अच्छा ग्राफिक्स एक्सपीरियंस मिलेगा। फ्रेंड्स, आपने ग्राफिक्स कार्ड की दुनिया में SLI और क्रॉस फायर ये दो टर्म के नाम तो सुने ही होंगे, तो ये क्या होता है? AMD ने मल्टी GPU परफॉर्मेंस को SLI और AMD ने मल्टी GPU परफॉर्मेंस को क्रॉस फायर नाम दिया है। जैसे कि NVIDIA का टाइटन Z सीरीज में आपको एक ही ग्राफिक्स कार्ड में दो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि 2 GPU मिलते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक फायदे की बात बता दूं, अभी Amazon पे Zotac का 1050 Ti mini का जो प्राइस जा रहा है उसी प्राइस में 1050 मिल रहा है, तो आप सेम प्राइस में फुल HD गेमिंग भी कर सकते हैं और आपको ज्यादा पैसे खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे। तो फिर मैं ही आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 1050 Ti mini edition ले लें। 1050 Ti 4GB का ग्राफिक्स कार्ड है, तो फिर आपको ग्राफिक्स परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए।